मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज साडा जो विषय है पंजाबी, पंजाबी दे नीचे उपविषय साडा लेख रचना। आज असी लेख रचना किस तरह करनी है, कोई भी लेख किसी विषय दे उत्ते आंदा हो किस तरह लिखना वो करांगे, ठीक है ना। परीक्षा विच लेख किवें लिखिए, जदों कि पेपरां दे विच लेख आंदा तां बच्चे उस नूं देख के बच्चा दा पसीना छुटण लग जांदा, जदों कि 10 नंबर दा लेख आंदा ते लेख बच्चे छड जांदे ने। क्यों छड्डदे आ? क्योंकि बच्चों को लेख लिखना बड़ा औखा लगता है, उसनों देख के ही डर जाते हैं। पर अज तुम दसागे कि लेख किस तरह लिखना चाहिए, लेख लिखने के की ढंग है। ज्ञान और विचार, जो भी किसी विषय के उत्ते कोई लेख आया, जिमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नहरू जी, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, तो उस लेख के बारे में सानू उस विषय के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कितों होएगा? साडे अध्यापक कोलों, रसालियां चों, अखबारां चों, टैलीविजन तों, तां उहदा छोटा छोटा ज्ञान इकट्ठा करके असीं की करदे आ, लेख बणदा। लेख लिखण, लेख की हुंदा? लेख हुंदा जदों असीं अपने मन दे विचारां नूं कोई भी लिखती रूप दिंदे आ। लेख इक इस तरह की रचना जिहदे विच असीं अपने विचार खुल के प्रगट कर सकदे आ। लेख दे विच बेटा तुसीं आप उसके लाभ भी दस सकते हो, उसदियां हानियां भी दस सकते हो। लेख लिखण दे विच तुहानूं पूर्ण आजादी हुंदी है। सब तो पहला की है, खेत्र अनुसार लेखां दा वर्गीकरण। खेत्र अनुसार लेखां दा वर्गीकरण करिया जांदा, ठीक है ना। खेत्र अनुसार लेखां दा वर्गीकरण किस तरह हुंदा? जिवें समाज, समाजिक लेख हुंदे ने। समाजिक लेख दे विच की हुंदा बेटा? जिवें दहेज प्रथा दा लेख आ गया, भ्रूण हत्या, इह साडियां समाजिक बुराइयां ने। समाज प्रथा, समाजिक लेख लिखण लई तुसीं जिवें दहेज ते लेख लिख रहे हो, तां दहेज बारे सारे बच्चों नूं पता हुंदा है कि दहेज की है, दहेज बुराई है, दहेज किस तरह शुरू होया, दहेज दे कारण की है। पर असीं उसनूं देख के डर जांदे कि दहेज प्रथा दा लेख आ गया। इस करके दहेज दे बारे च रसालियां तों, टीवी तों, अपने अध्यापक तों जानकारी लो ते उसनूं अपने विचारां दे अनुसार लिखो। उस तों बाद आ जिहड़े राजनीतिक लेख, राजनीतिक लेख किहड़े हुंदे ने? जिवें गणतंत्र दिवस हो गया ते स्वतंत्रता दिवस हो गया, ये सारे की ने? राजनीतिक लेख ने। सानू गणतंत्र दिवस बारे भी पता हुंदा ते स्वतंत्रता दिवस बारे भी पता हुंदा, पर असीं लिखण तों डरदे आ, ठीक है। उस तों बाद विद्या, विद्या वाले लेख किहड़े हुंदे? विद्यक लेख हुंदे ने। जिवें आ गया विद्यार्थी अनुशासन, आ गया बाल शिक्षा, आ गई अनपढ़ता, आ गई, ये सारे किहड़े अदारे च आउंदे ने बेटा? विद्यक अदारे च। उस तों बाद वैज्ञानिक लेख किहड़े हुंदे ने? विज्ञान नाल संबंधित लेख, जिवें विज्ञान दे चमत्कार हो गए, ते उस तों बाद टैलीविजन दीआं लाभ हानियां, रेडियो दीआं लाभ हानियां। हुण जिवें तुसीं टैलीविजन दीआं लाभ हानियां लिखणियां ने, इह नहीं कि तुसीं पहलां लाभ लिखता फिर हानि लिखती, फिर लाभ लिखता फिर हानि लिखती। टैलीविजन दीआं कोई भी किसे भी टॉपिक दे विज्ञान दे नाल संबंधित तुसीं लिख रहे हो, तां पहलां की लिखोगे बेटा? सब तों वड्डा उहदा लाभ दसोगे, फिर उहदे सारे जिन्ने छोटे छोटे लाभ है उह दसोगे, फिर उस दीआं हानियां दसोगे। जो दोनों लाभ ते हानियां दस के उस तों बाद उहनां दा सिट्टा दसोगे। नैक्सट आ गया ते समस्यावां। समस्यावां दे विच की है? इक कुछ स्थानिक समस्यावां हुंदियां ने, स्थानिक समस्यावां हुंदियां ने, जिवें अपनी आ गई बेरोजगारी आ गई, ठीक है ना, बेरोजगारी दी इक स्थानिक समस्या। भ्रिष्टाचार आ गया, भ्रिष्टाचार दी इक स्थानिक समस्यावां ने। इह सानूं अपने समाज दे विचों इहनां बारे ज्ञान प्राप्त हुंदा है। उस तों बाद तां राष्ट्रीय समस्यावां किहड़ियां ने? राष्ट्रीय समस्यावां दे विच आ गया वधदी आबादी आ गई, अनपढ़ता आ गई बेटा, ये सारियां केड़ियां आ गईयां? राष्ट्रीय समस्यावां जिहड़ियां साडे राष्ट्र नाल संबंधित है। उस तों बाद अंतरराष्ट्रीय समस्यावां दे लेख, अंतरराष्ट्रीय समस्यावां दे लेख इस टाइप दे हुंदे ने, जिवें गुटनिरपेक्षता हो गया, उस तों बाद निःशस्त्रीकरण हो गया, जो पूरे अपने दूजे देशां दे नाल वी जिन्हां दा मेल हो। उस तों बाद बेटा सानूं लेख लिखण दा ढंग, सब तों पहलां लेख लिखण दा ढंग पता होना चाहीदा कि लेख किस तरह लिखणा। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰਸਾਲੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦ, ਮੱਧ ਤੇ ਅੰਤ। ਆਦ, ਆਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਰੰਭ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਜਾਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੇਜ ਭਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਰਾ ਲਿਖੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਦੇ ਮੱਧ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਮੱਧ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਮੱਧ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂ ਦਹੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ,
अंग दे विच की दहेज नूं किस तरह रोकिया जा सकता है। ठीक है, उस तो बाद बोली ते शब्द चोण, बोली ते शब्द चोण दे विच साडी बोली है जिहड़ी ओह अच्छी होनी चाहीदी है, सही तरीके नाल टकसाली बोली तुसीं वरतनी है ते शब्द शब्दां दी चोण भी सही करनी है, क्योंकि शब्द मोतियां दी तरह हुंदे ने, लड़ी विच इक मोती नहीं निकल गया तां साडी पूरी लाइन गलत हो जांदी है। उस तो बाद लड़ी वधदा लेख है जिहड़ा, लड़ी वधदा तरीके नाल लिखणा, पहलां उसदे उसनों आरंभ दे विच उहदी जाण पछाण देनी है, फिर उहदे कारण दसणे है, फिर उहदा सिट्टा करना। उस तो बाद कहिंदे बाग ते पैरे, लेख हमेशा पैरां दे विच लिखणा चाहीदा। ठीक है ना, पैरे बना के लिखो, जिवें पहला पैरा फिर थोड़ा छड के फिर सैकंड पैरा शुरू करना। हवाले ते टुकां किस तरह, इहदे विच तुसीं किसे महान कवियां दीआं आपां टुकां दे सकदे हां, जिवें गुरु नानक देव जी सतगुरु नानक प्रगटिया लेख लिखदे आ ना, तां उहदे विच टुकां दे दिंदे आ तां जो साडा लेख बेटा सुंदर लगे, पढ़न वाले नूं भी सोहणा लगे, जो तां जो साडे नंबर है जिहड़े ओह अच्छे आ सकन। हवाले ते टुकां नाल जिहड़ी की है अपना लेख प्रभावशाली लगता है, जिहदे तुसीं अलंकार भी वरत सकते हो। शब्द जोड़ ते विश्राम चिन्ह, शब्द जोड़ ते विश्राम चिन्ह मतलब कि बेटा विश्राम चिन्हां दी जिहड़ी वरतों आ ओह सही तरीके नाल करनी है, किथे प्रश्न चिन्ह लगेगा, किथे विस्मयक चिन्ह लगेगा, किथे डंडी लगेगी, क्योंकि विश्राम चिन्ह दे नाल जिहड़ा जे आपां विश्राम चिन्ह कोई भी है गलत लगा दिए तां लाइन दा मतलब ही चेंज हो जाता है। इस करके सानू विश्राम चिन्ह बेटा सही तरीके नाल वरतों करनी चाहिए है। इस तरह तुसीं लेख आसानी नाल लिख सकते हो। थैंक यू।